न्यू सहारा हॉस्पिटल की संचालिका की अध्यक्षता में गणेश आरती के साथ गणेश जी के खूब जयकारे लगे। आज की आरती में मुख्य अतिथि रही सुमन पुरोहित। महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा ने गणेश जी की महिमा के बारे में बताया। सुनिए आप क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका और आज आप गाँव को? मेरा नाम सुमन पुरोहित है, महिला मोर्चा भाजपा अध्यक्ष हूँ। और यहाँ सहारा इनका जो नर्सिंग होम है, इसमें हमारी श्वेता पारसर है, वो महिला मोर्चा से जुड़ी हुई है। आज इन्होंने मुझे गणेश उत्सव में, मैं अपने को बड़ा सौभाग्य और धन्य मानती हूँ कि इन्होंने मुझे अतिथि मानकर बुलाया है। गणेश जी के सामने तो कोई अतिथि है ही नहीं, और उन्होंने मेरे को ये सौभाग्य दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ प्रथम पहले हम लोगों को संकल्प किया गया, पूजा करी गई, चावल हल्दी वगैरह सब कुछ चढ़ाया गया। ये कोई भी काम हम लोग प्रथम करते हैं, किसी भी कार्य को हम लोग शुभ काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी का पूजन करते हैं। आज वो ही हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, हमारी श्वेता पारसर जी ने और बाकी हमारी जो बहनें हैं महिलाएं की, उन्होंने और हमारे पंडित जी उन्होंने करवाया। और ये गणेश उत्सव पहले तो हम लोगों के यहाँ बॉम्बे में इसकी ज़्यादा प्रचलन थी, लेकिन अब हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी बहुत इसका प्रचलन हो गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि घर में तो हम लोग गणेश पूजन करते ही थे, लेकिन अब जगह जगह जाकर हम उन लोगों की मूर्ति स्थापना करके और उनकी पूजा करते हैं 7 दिन। ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य की बात है। और मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ कि श्वेता जी की और सारी जनता की, सारे झांसी के लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हों, और इसी तरह हम लोग अपना हमेशा ये पुण्य काम करते रहें और गणेश जी की स्थापना करते रहें। चार साल से श्वेता जी यहाँ पर स्थापना करवा रही हैं गणेश जी की, और काफी विधि विधान से और सभी लोगों का सम्मान करते हुए, हम ही लोगों का सबका सबको बुलाकर बड़े यथा विधि से पूजन करती हैं, और भगवान उनकी हर मनोकामना को पूरी करें, यह ईश्वर से इच्छा है। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।